नमस्कार, मैं संदीप सर। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। जैसा कि आपको पता ही है, 7 अक्टूबर को हमास के द्वारा इसराइल पर लगभग माना जा रहा है कि 5,000 रॉकेट दागे गए, और इसराइल का एक अपना सुरक्षा तंत्र है, वो आयरन ड्रोम कहते हैं, और क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा थी तो बहुत सारे रॉकेट्स को इंटरसेप्ट नहीं किया जा सका, खत्म नहीं किया जा, लेकिन फिर भी काफी उन्होंने बीच में ही उसको ध्वस्त किया। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या भारत की कितनी तैयारी है, क्योंकि भारत के बगल में दो ऐसे देश हैं, चाइना और पाकिस्तान, जिन पर शायद ही कोई भारतीय भरोसा कर पाए। कल को यदि भारत में भी ऐसा कुछ होता है तो भारत की कितनी तैयारी है, चलिए देखते हैं। कुछ लोगों को लगता होगा कि शायद भारत के पास चीजों का बहुत अभाव है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि उतना हाई टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन भारत के पास भी बहुत सारे ऐसे तकनीक है, ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो इंटरसेप्ट कर सकती है मिसाइल्स को, एयरक्राफ्ट को, ड्रोन्स को, हवा में ही दुश्मनों के जो भारत की ओर। आज उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं। एक बात जान लीजिए कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि जो हवा का, यानी कि जो एटमॉस्फेयर में जो डिफेंस ऊपर में बनाया जाता है, डिफेंस सिस्टम है, उसके कुछ बेसिक कंपोनेंट्स, और भारत ऐसे ही कंपोनेंट्स के द्वारा अपने आप को आगे बढ़ाया। भारत ने लगभग 4 मेजर कंपोनेंट यानी तत्व रखे हैं अपने एयर डिफेंस सिस्टम। सबसे ज्यादा है, बड़ा जो सबसे नंबर 1 पर आएगा वो आएगा लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन, मतलब लंबी दूरी, यदि कोई मिसाइल आ रहा हो या रॉकेट आ रहा हो भारत की ओर, तो उसको काफी दूर भारत की सीमाओं के आसपास ही गिरा दिया जाए, सबसे पहले ही गिरा दिया, तो उसको बोलेंगे लॉन्ग रेंज। इसे बोला था इंडियन बलास्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम, और ये भारत जो लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल बना रहा है, जिससे जो मिसाइल भारत की ओर आ रहा है उसको बहुत पहले ही गिरा दे, इसके लिए जो प्रोग्राम भारत ने चलाया हुआ है वह है इंडियन बलास्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम। दूसरा है, बहुत दूर नहीं, चलिए बहुत भारत के अंदर घुस गया लेकिन हवा में, जमीन पर गिरेगा तो नुकसान ज्यादा होगा, हवा में ही मार दे, लेकिन थोड़ा मीडियम। एक है इंटरमीडिएट, मीडियम तो नहीं कहेंगे, शॉर्ट और लॉन्ग के बीच का, एक है इंटरमीडिएट इंटरसेप्शंस, और इसके लिए तो भारत ने प्रयास किया कि रशिया के द्वारा एक एयर डिफेंस सिस्टम लिया है S-400 ट्रम्प, ये रशिया के द्वारा भारत के द्वारा लिया गया है, इसको हम लोग अभी तुरंत देखेंगे। तीसरा है शॉर्ट यानी कम दूरी का इंटरसेप्टर, यानी थोड़े दूर, जब भारत की सीमाओं के अंदर घुस चुका है और काफी सामने आ चुका है, लेकिन हायर अल्टीट्यूड पर, अधिक ऊंचाई पर ही उसको उड़ा देना है, उसे उसको कहा जाएगा शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शंस। इसमें बहुत सारे आते हैं, जैसे कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, और इस जैसे कई सिस्टम्स आएंगे। और इसके बाद होता है बहुत छोटे 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 एयर डिफेंस सिस्टम, जैसे कि कंधे पर रख करके रॉकेट मार देना, ऊपर में कोई एयरक्राफ्ट है उसको गिरा देना, तो ये बहुत शॉर्ट, ये वेरी शॉर्ट हो गया, ये वेरी शॉर्ट, इससे ऊपर शॉर्ट, बहुत कम दूरी, फिर इंटरमीडिएट, और सबसे ज्यादा अधिक दूरी वाला हो गया लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन, यानी इंडियन जो चलाया जा रहा है, इंडियन ब्लास्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें और भी है, जरा समझा जाए। भैया सबसे पहले आते हैं हम लोग लॉन्ग रेंज में जो भारत ने किया है, वो किया है पृथ्वी एयर डिफेंस, इसको पैड कहा जाता है, ये लॉन्ग रेंज का है, जैसा कि आप देख रहे हैं पिक्चर में, और याद रखें ये पूरा इंडिजीनियस है, यानी ये पूर्णतः भारत का स्वदेशी है, भारत ने किसी से तो इंपोर्ट नहीं किया, आयात नहीं किया। और इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है, यह मिसाइल एटमोस्फेयर के बाहर ही मार देगा। हम लोग का जो एटमॉस्फेयर है 30-40 किलोमीटर के ऊपर तक जो एटमॉस्फेयर है,
उसके एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं, यदि कोई बाहर से मिसाइल आ रहा है तो उसको हवा में भी क्या एटमॉस्फेयर से ऊपर ही मार देना है, गिरा देना है। उसके लिए ये बनाया गया है पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम। एक बात ध्यान रखेंगे, इसका रेंज क्या है जरा देख लीजिए, इसका रेंज है 300 से लेकर 2000 किलोमीटर, यानी ये अपने दुश्मन को 300 मिनिमम 300 से लेकर 2000 किलोमीटर तक के रेंज में उसी समय मार के गिरा सकता है। बहुत लॉन्ग रेंज, मतलब कोई चीज 2000 किलोमीटर दूर है और भारत की ओर बढ़ रहा है, उसको एटमॉस्फेयर के ऊपर में ही गिरा देंगे, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं और इसका देखते हैं थोड़ा सा और आगे क्या क्या इसमें। इसी में एक बात और भी ध्यान रखेंगे, वह यह है कि यह जो है इसका पहला टेस्टिंग जो भारत में किया गया था ये 2006 में किया गया था, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और एक बात यह भी ध्यान में रखेंगे कि ये जो गाइडेंस है, यानी जब आप मिसाइल छोड़ देते हैं, पृथ्वी मिसाइल को छोड़ते हैं, कोई अदर मिसाइल या जो रॉकेट आ रहा है आपकी ओर, या कोई ड्रोन आ रहा है, या कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है दुश्मन का, तो यहां से जो मिसाइल जाएगा इसके अंदर खुद ही इसका अपना इंटरनल नेविगेशन सिस्टम है, इसके अंदर खुद ही इसका अपना ओन इंटरनल नेविगेशन सिस्टम है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं। अगला है इसी में लॉन्ग रेंज में ही एक दूसरा आता है, यह आता है एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम AAD मिसाइल। यह भी भारत का पूर्णतः इंडिजीनियस है, इंडिजीनियस का मतलब हुआ स्वदेशी, यह भी भारत ने स्वदेशी बनाया। इसमें और पृथ्वी में एक डिफरेंस क्या है कि पृथ्वी मिसाइल जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर आने से पहले ही आपको मार देगी, लेकिन यदि कुछ मिसाइल मान लेते हैं पहला लेयर को चकमा दे दिया, पृथ्वी को उसने चकमा दे दिया, तो ये उसके लिए है सेकेंड लेवल के लिए। और ये एंटी ब्लास्टिक मिसाइल जो है ये बेसिकली इंडो एटमॉस्फेयर है, यानी कि यह एटमॉस्फेयर के अंदर यदि आ जाएगा तो अंदर आएगा तो 30 किलोमीटर के अंदर में, यानी अल्टीट्यूड 30 किलोमीटर की हाइट में इसको मार देगा। पृथ्वी का एक बात ध्यान रखेंगे, पृथ्वी का जो हम लोगों ने अभी पढ़ा वो 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही मार देगा, और लेकिन जब उससे नीचे आ गया कोई मिसाइल तो उसके लिए आपके पास में है एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। और यह बेसिकली इसका जो एटमॉस्फेयर के अंदर घुस गया तो वहां मारेगा और 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई वाले इसको ये खत्म कर देगा। इसका जो रेंज है ऑपरेशनल रेंज जो है वो 150 किलोमीटर से 200 किलोमीटर है। इस कंपेयर में पृथ्वी से ये कम है क्योंकि पृथ्वी 2000 तक एक्सटेंड कर जाता है, लेकिन यह 150 से लेकर 200 तक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसमें भी यदि गाइडेंस कहा जाए तो वो पैड के समान है, यानी पृथ्वी के समान है, मतलब क्या इसके पास भी अपना ओन नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला है ध्यान देंगे वह है S-400। S-400 मतलब इंटरमीडिएट। एक बात ध्यान रखेंगे, अब ये इंटरमीडिएट सेकेंड लेवल पर बार इंटरमीडिएट S-400, इसको हम लोगों ने रशिया से लिया और लगभग माना जाता है कि हम लोगों ने 5 जो है S-400 रशिया से लिया है, लगभग 5.45 बिलियन का ये सौदा था। अमेरिका के बहुत विरोध के बाद भी भारत ने अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए S-400 को लिया। यहां पर ध्यान क्या रखेंगे कि ये जो अपने टारगेट है इसको 600 किलोमीटर दूर से पहचान लेगा। ये है इसका पूरा फोटो, यहां से निकलेगा ये, याद रखेंगे ये पूरा व्हीकल पर चलता है, इसका अपना रेडार सिस्टम है, इसको ध्यान में रखेंगे, इसका अपना ओन रडार सिस्टम है, ये व्हीकल पर है, जहां चाहेंगे वहां से आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको ट्रैक करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये मूवेबल है, साथ ही साथ इसका अपना रडार सिस्टम भी है। यहां पर ध्यान रखेंगे कि अपने टारगेट को कोई भी मिसाइल यदि आ रहा हो देश की ओर बढ़ेगा तो 600 किलोमीटर तक के एरिया में ही ये इसको पता लगा लेगा, और 600 में पता लगाएगा और 400 में मार के गिरा देगा, मतलब 400 के बाद ये उसको मार सकता है, 400 से लेकर 30 किलोमीटर तक के बीच में कहीं पर भी यह उस मिसाइल को मार सकता है। इसमें ध्यान यह रखना है, यहाँ पर थोड़ा छोटा शब्द है वह यह है कि इसमें जो आप देख रहे हैं ये बॉक्सेस, इसमें एक ही प्रकार के मिसाइल नहीं है, इसमें 4 प्रकार के मिसाइल है। एक मिसाइल है 400 किलोमीटर तक वो करेगा,
दूसरा है 120 किलोमीटर, तीसरा है 250 किलोमीटर और चौथा है 40 किलोमीटर। मतलब क्या, जरा देख लीजिए, इसमें फोर टाइप के मिसाइल है। एक 400 किलोमीटर दूर तक मार करेगा, एक है 250 किलोमीटर, एक है आपका 120 किलोमीटर और एक है आपका 40 किलोमीटर। इससे बच गए तो ये मारेगा, इससे बच गए तो ये मारेगा, इससे बच गए तो आप ये मार पाएंगे। ये है इसका डिफेंस सिस्टम। ये इसको बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस सिस्टम माना जाता है आयरन डोम के बाद। लेकिन फिर भी क्योंकि रशिया दावा करता है कि कोई भी इसको भेज नहीं सकता है, भारत ने भी इसको देखा है इसके यूज को और इसलिए भारत ने इसको परचेस किया। यहां पर ध्यान यह रखेंगे कि मिसाइल जरूर चार टाइप के निकलेंगे लेकिन एक बार में कितना मिसाइल छोड़ सकता है, जान लीजिए 72, यानी एक बार में ये 72 टारगेट को एक साथ मार सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला इंटरमीडिएट चल रहा था, अब इंटरमीडिएट के बाद आते हैं अब शॉर्ट रेंज, क्योंकि भारत का लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज में एक कमी थी जिसको S-400 रशिया का पूरा किया। अब आते हैं शॉर्ट। शॉर्ट में कई प्रकार के हैं, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आकाश है, ठीक है, पिकोरा है, स्पाइडर है, ये सब एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं पिकोरा। S-125 पिकोरा, ये है पिकोरा का, आप देख रहे होंगे ये पिक्चर है पिकोरा का, ध्यान रखेंगे। और वाजिब है कि ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, जमीन से हवा मारेगा, जो भी आ रहा होगा उसको मारेगा। इसका मैक्सिमम जो अल्टीट्यूड है, याद रखेंगे इसका मैक्सिमम जो अल्टीट्यूड है ये 20 किलोमीटर है। मतलब ये 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी किसी चीज को उड़ रहा हो तो उसको मार सकता है। और इसका ऑपरेशनल रेंज जो है वो 30 किलोमीटर है, मतलब 30 किलोमीटर के एरिया में 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक कोई भी चीज यदि आ रहा हो तो उसको ये मारने में सक्षम है। चलिए आगे बढ़ते हैं पिकोरा के बाद। दूसरा पिकोरा के बाद है आकाश, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। ये बहुत ही यूनिक है और इसे भारत ने स्वयं बनाया है, ये इंडिजीनियस है, याद रखेंगे। इसको DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, इन दोनों ने मिलकर बनाया है आकाश। इसको आप फोटो में देख सकते हैं, कई बार हमारे रिपब्लिक डे परेड में ये शामिल हो चुका है। याद रखेंगे ये अपने टारगेट को 45 किलोमीटर दूर से चिन्हित करके मार सकता है, और 45 किलोमीटर दूर से यदि कोई आ रहा है तो वहां तक को ये कवर करता है, और 18,000 मीटर ऊपर उड़ रहे कोई भी चीज को गिरा सकता है। इसका अल्टीट्यूड जो हाइट है वो 18,000 मीटर यानी 18 किलोमीटर के आसपास का इसका अल्टीट्यूड है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे आकाश। आगे आइए, आगे आगे है स्पाइडर। स्पाइडर में एक खास बात है, ध्यान में रखिएगा, वो यह है कि स्पाइडर जो है बेसिकली ये इसराइल के थ्रू, भारत और इसराइल ने मिलकर के बनाया है। इसको जरा देखा जाए, स्पाइडर जो है ये भारत और इसराइल के द्वारा इजरायली तकनीक पर आधारित है। और आप जान लीजिए ये इस कंपनी को बनाने में राफेल इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा योगदान है, वही राफेल इंडस्ट्री जो आयरन डोम बनाया हुआ है इसराइल का, वही राफेल इंडस्ट्री ने यहां पर स्पाइडर भी भारत को मुहैया कराया। अब इसका भारत में भी प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसमें आपको समझ में आ ही गया कि ये इसराइल से लिया गया, ये फुल्ली इंडिजीनियस नहीं है। और ये क्या है, सरफेस टू एयर। इसमें दो प्रकार के मिसाइल है, इसमें जो मिसाइल ये जो आप देख रहे होंगे यहां से, इसमें जो मिसाइल लगे हुए यानी सरफेस से एयर में मारेगा, इसमें दो प्रकार के मिसाइल है, एक है पाइथन, एक है डरबाय। पाइथन जो है वह बेसिकली यदि कहा जाए तो लगभग 4.5 किलोमीटर की दूरी तक के कोई भी चीजों को मार सकता है, रेंज हॉरिजॉन्टल रेंज क्षितिज विस्तार, और कितने ऊपर तक के 30,000 फीट तक की ऊंचाई, 30,000 फीट की ऊंचाई पर 4,500-5 किलोमीटर की दूर से यदि कोई आ रहा है तो उसको गिरा सकता है। लेकिन डरबाई का रेंज बहुत ज्यादा है, 50 किलोमीटर याद रखेंगे, और यह 52,000 फीट ऊपर किसी भी क्राफ्ट को, एयरक्राफ्ट हो चाहे ड्रोन हो चाहे वह मिसाइल हो, उसको सबोटाज कर सकता है, खत्म कर सकता है। याद रखेंगे इसमें दो प्रकार के मिसाइल हैं, एक का नाम है पाइथन, इसकी दूरी कम है और यह 30,000 फीट
फीट की ऊंचाई तक किसी भी प्रक्षेपास को खत्म कर सकता है। वही डर बाइक जो है ये 50 किलोमीटर तक का रेंज है इसका, 50 किलोमीटर की दूर से आ रहा हुआ कोई भी चीज उसको ये ऑब्जर्व कर लेगा और उसे यह लगभग 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर मार गिराएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। आगे है ऑस्का एके। आगे जो आपको दिखेगा वह दिखेगा आपको ऑस्का या ओशा ए, बेसिकली ओशा ए टे। ये एक मूवेबल है, लो अल्टीट्यूड पर काम करेगा। वैसे इससे पहले वाले भी सारे मूवेबल थे, जहां तहां आप इसको ले जा सकते हैं। इसका डिजाइन और तैयार जो किया गया है सोवियत यूनियन के द्वारा किया गया, यानी पुराना रशिया, हम लोगों ने उससे इसको लिया है। ये देख सकते हैं आप, ये आज भी भारत में ऑपरेशनल है। मतलब ये ऐसा नहीं कितना पुराना है कि ये रिटायर हो गया हो, ये आज भी ऑपरेशनल है ओसा। और यह बेसिकली इसका जरा देख लेते हैं, इसमें जो आप देख रहे हैं टैंक टाइप का बना हुआ, इसके ऊपर में यह है, इसमें 5 सोल्जर बैठ सकते हैं, ध्यान से समझ जाए। और इसका याद रखेंगे इसका ऑपरेशनल रेंज जो है वह 15 से 18 किलोमीटर है। मतलब 15 से 18 किलोमीटर आ रहे कोई भी दूरी से आ रहे कोई भी एयर में कोई संदिग्धास्पद चीज को वो गिरा सकता है, ठीक है, याद रखेंगे ओसा एक। आगे देखते हैं अगला, सोवियत संघ से भारत ने लिया। आगे देखा जाए अगला भी आप देखेंगे, यह जो है ये क्यूब है या कूब भी बोलते हैं इसको, कू या कूब। यह भी मूवेबल है, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, यानी कि सरफेस से एयर की ओर मार कर सकता है, किसी भी चीज को गिरा सकता है। और याद रखेंगे कि यह भी भारत ने बेसिकली सोवियत से ही लिया था, ठीक है, यानी रशिया से ही लिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला और भी देख लेते हैं। अगला है बराक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में आया हुआ। बराक को LRSM भी कहा जाता है, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। बराक 8 क्या है इसका पूरा नाम, लॉन्ग रेंज, यानी कि बेसिकली बराक किस कैटेगरी में आएगा, तो लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। यहां पर यह ध्यान रखना है वह यह है कि बराक जो है ये बेसिकली इसराइल के सहयोग से भारत बना रहा है। यहां पर इसराइल के सहयोग से भारत इसको यहां पर डेवलप कर रहा है, लगभग काफी कुछ इसमें भारत आगे जा चुका है, ठीक है। यहां पर देखेंगे इसका ऑपरेशनल रेंज कितना है, तो 0.5 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर की दूरी से आ रहे किसी भी विमान या प्रक्षेपास्त्र को इसको खत्म करने का पावर है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट, अगला आते हैं, एक और भी है, वह है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसको कहा जाता है QRSM। QRSM को ध्यान में रखेंगे, यह पूर्णतः स्वदेशी है। यह क्या है, स्वदेशी, आप देख सकते हैं इसको फोटो में, यह पूर्णतः क्या है, स्वदेशी है। इसको DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने बनाया है इंडियन आर्मी के लिए, ध्यान में रखेंगे। शॉर्ट रेंज मिसाइल है, इसमें जो प्रोपोलेंट यूज होता है, ईंधन जो यूज होता है वो बेसिकली सॉलिड फ्यूल है। और इसमें यह भी ध्यान रखेंगे वो यह है ऑपरेशनल रेंज जो इसका है वो 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर ऑपरेशनल इसका रेंज है, मतलब 30 किलोमीटर तक की दूरी को यह मार कर सकता है। और कितनी ऊंचाई तक, तो जरा देख लीजिए, 30 से लेकर 6 किलोमीटर तक, सॉरी 30 मीटर से लेकर 6 किलोमीटर तक, मतलब 30 मीटर हाइट और 6 किलोमीटर तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या नाम था इसका, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSM। आगे देखते हैं, आगे अब आइए वेरी शॉर्ट, मतलब वेरी शॉर्ट, इसमें कंधे से भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जो बहुत छोटी है। ये हम लोगों का हो गया, पहले हम लोगों ने लॉन्ग देखा, लॉन्ग में मैंने हम लोगों ने पृथ्वी को देखा। पृथ्वी में एक बात याद रखेंगे कि पृथ्वी में डबल स्टेज का वो मिसाइल है, दो सतीय है। कभी कभी आप रॉकेट जब आप पढ़ते हैं, कहा जाता है कि PSLV कितने स्टेज का है, तो 4 स्टेज का, 1, 2, 3, 4। जब आप GSLV पढ़ते हैं तो 3 स्टेज का है, सबसे ऊपर में क्रायोजेनिक इंजन। वैसे ही पृथ्वी जो है वो 2 स्टेज का इंजन है या मिसाइल है। इसमें एक में सॉलिड फ्यूल लगता है और एक में लिक्विड फ्यूल लगता है। वही जो पृथ्वी के बाद हम लोगों ने पढ़ा था
एडवांस वाला वो एक स्टेज है मात्र, अभी हम आपको फिर से दोबारा दिखा देंगे। अब आइए इसमें वेरी शॉर्ट में क्या क्या है। वेरी शॉर्ट में एक है स्ट्रेटला 10 बेसिकली, और इसमें छोटे छोटे पोर्टेबल और भी है, ये है बेसिकली, इसी को बोला गया है। ये सिंगल स्टेज वाला हिसाब किताब है इसमें, और इसका ऑपरेशनल रेंज क्या है, वह है 5 किलोमीटर, यानी ये 5 किलोमीटर तक के रेंज में आ रहे किसी भी मिसाइल को खत्म कर सकता है या कोई भी विमान को मार सकता है। ठीक है, स्ट्रेला, स्ट्रेला कितनी ऊंचाई पर मार देगा, तो लगभग 3500 मीटर, यानी लगभग 3.5 किलोमीटर की ऊंचाई में, यानी वातावरण में आ भी गया हो तो भी ये मार के गिरा देगा ये, क्योंकि ये छोटे वाले होते हैं। आगे देख, आगे वैसे ही है, एक और भी इसी टाइप का है, आगे है एक सिकला। सिकला जो है बेसिकली ये सोवियत यूनियन से लिया गया, पुराना है अभी भी, लेकिन ये वर्क में है, इंडियन आर्मी के साथ में है, आप इसका फोटो दे सकते हैं। ये भी यहां से फायर कर सकता है, कहां पर, हवा में, और हवा में आ रहे कोई चीज को उसको गिरा सकता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं एक और, अब आ गया ये हाथ से जो आप कंधे पर रखकर फिल्म वगैरह में भी देखे होंगे वो वाला, वेरी शॉर्ट में, ये दूसरा कैटेगरी। दो तो आपने देखा टैंक वॉल, तो वेरी शॉर्ट में है। अब आप आइए हाथ वाला जो है बेसिकली, ठीक है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक है ये इगला, ये सब जो होते हैं इसको, जिसको कहा गया है कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको आपने कहा मैन पैड्स, ये मैन पैड्स भी इसी में आता है, शॉर्ट रेंज में आता है, और इसको कहा जाता है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। इसका ये जो आप देख रहे हैं ये एक प्रकार है जिसको इगला कहा जाता है, याद रखेंगे। और इसे भारत ने सोवियत संघ से लिया था, और ये आज भी भारत में सर्विस में है, रशिया से लिया गया था, आज भी ये सर्विस में है। आगे देखिए एक और भी, आगे है एक स्ट्रिंगर, स्ट्रिंगर भी एक वही है बेसिकली, कंधे पर रख करके मैन वाला पोर्टेबल बेसिकली यही है, इंडियन आर्मी में आज भी है। और याद रखेंगे ये इसका एक बेसिकली, इसका जो आपको लगता होगा बहुत कम दाम है, $80,000 का एक आता है, समझ लीजिए। और हाँ, इसका जो रेंज है वह है लगभग 5 किलोमीटर के आसपास, ठीक है, तो 5 किलोमीटर की दूरी से आ रहा कोई भी चीज को ये ब्लास्ट कर सकता है, खत्म कर सकता है। इसके ये लगभग 3 किलोमीटर का एक्सप्लोसिव को, सॉरी 3 किलोग्राम के एक्सप्लोसिव को लेकर के भी आगे बढ़ सकता है, 3 किलो तक के वारहेड को लेकर के ये किसी को ध्वस्त कर सकता है। अभी मैंने आपसे एक बात कही, लगभग इतना ही है अभी भारत के पास में। हम लोगों ने अभी थोड़ा देर पहले जो मैंने लॉन्ग रेंज में कहा था, एक बार मैं उसको बता दूं, और आपको जो मैं बता रहा था यहाँ पर, कि ये जो पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको लॉन्ग रेंज ब्लास्टिंग मिसाइल सिस्टम कहा जाता है, एंटी ब्लास्टिंग मिसाइल सिस्टम, इसमें जो है ये 2 स्टेजेस है, एक स्टेज और 2 स्टेज, 2 पार्ट, एक में सॉलिड फ्यूअल है, एक में लिक्विड फ्यूअल है। और ये जो है एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, जो ये भी इंडिजीनियस है, इसमें एक बात ध्यान में रखना है, वह यह है कि ये सिंगल स्टेज है और केवल सॉलिड प्रोपोलेंट का यूज होता है, यानी केवल सॉलिड फ्यूअल का यूज होता है, ठीक है। और आपने अब देखा कि भारत की क्षमता किसी देश से कम नहीं है, लेकिन हाँ, उसको और इन्हांस करने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर यह बात ध्यान रखना पड़ेगा, वह यह है कि कुछ रॉकेट्स को या कुछ मिसाइल्स को तो ये लोग समाप्त कर सकते हैं, हमारे पास अपनी क्षमता है, लेकिन यदि इसराइल की तरह ही 5,000 रॉकेट दाग दिए जाएं एक बार में, तो ये कितना सक्सेसफुल होगा, इस पर एक प्रश्न। इसलिए अब आवश्यकता यह है कि भारत भी अपने इस टेक्नोलॉजी को और इन्हेंस करे, आगे बढ़ाए, और एक ही बार में जो कई प्रकार के आक्रमण हो सकते हैं उसको एक साथ निपटने की क्षमता भी भारत को विकसित करनी पड़े। क्योंकि तो हमेशा याद रखें, पास्ट हमेशा सबक देता है, उसको ध्यान में रखने की जरूरत। चलिए फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में, नमस्कार।